नमस्कार, मैं हूं प्रमोद मल्लिक। सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, दाऊद इब्राहिम, भारत ने इन चारों को आतंकवादी घोषित कर दिया है। इन्हें नए बने UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया गया है। इन पर क्या आरोप हैं और क्या है UAPA, हम आपको बताते हैं। UAPA के तहत किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। ऐसा व्यक्ति आतंकवादी करार दिया जा सकता है जो किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि में शामिल हो या जिसने किसी तरह को मदद किसी को की हो या उसने आतंकवाद को बढ़ावा दिया हो। हम आपको बताते हैं कि इन आतंकवादियों पर क्या आरोप हैं और इन्हें क्यों UAPA के तहत आतंकवादी कहा जा सकता है। जैश ए मोहम्मद के संस्थापक मसूद अजहर ने भारत में 5 आतंकवादी हमले करवाए हैं। उसने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर 2001 में हमला करवाया था। उसी साल भारतीय संसद पर हमला हुआ। 2016 में पठानकोट में भारतीय वायुसेना के बेस पर हमला किया गया। 2017 में श्रीनगर के BSF कैंप पर आतंकवादी हमला हुआ। पुलवामा में CRPF के काफिले पर इसी साल 14 फरवरी को आतंकवादी हमला किया गया। हाफिज सईद ने आतंकवादी गुट लश्कर ए तैयबा की स्थापना की। उसने लाल किले पर साल 2000 में हमला करवाया। उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित CRPF कैंप पर हमला करवाया गया। इसके अलावा 2008 में मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले में 166 लोग मारे गए थे। इसके पीछे हाफिज सईद ही था। जम्मू कश्मीर के उधमपुर स्थित BSF कैंप पर 2015 में हमला किया गया था। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 10 दिसंबर 2008 को सईद को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित कर दिया गया। जकीउर रहमान लखवी लश्कर का कमांडर है। भारत पर होने वाले लश्कर के तमाम हमलों को अंजाम उसी ने दिया है। योजना बनाने से लेकर वास्तविक हमला कराने तक उसकी मुख्य भूमिका रही है। दाऊद इब्राहिम वह व्यक्ति है जिसने भारतीय होते हुए भी भारत पर आतंकवादी हमले करवाए हैं। 1993 में मुंबई पर आतंकवादी हमला उसी ने करवाया था। हमले की योजना बनाने से लेकर लोगों को रिक्रूट करने, विस्फोटकों का इंतज़ाम करने और हमला करवाने में उसकी मुख्य भूमिका थी। अब क्या हो गया है? ये तो आतंकवादी पहले से ही थे। पहले इनके गुट आतंकवादी संगठन की श्रेणी में आते थे। अब UAPA के तहत इन पर व्यक्तिगत रूप से आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया है और इन पर आतंकवादी गतिविधियों में आतंकवादी हमले कराने में आरोप लगे हैं। अब इसके बाद भारत सरकार पाकिस्तान पर एक बार फिर दबाव बना सकती है कि वह इन आतंकवादियों को भारत को सौंप दें। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। देखते रहें सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।